एवरीवन, कोरेलॉ ट्यूटोरियल में स्वागत है आपका। लेकर आई हूँ आज एक नया वीडियो ब्लॉक फिगर के बारे में। जी हाँ, लास्ट कुछ वीडियो मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पे आप लोग को प्रेजेंट किए थे। आज हम बात कर रहे हैं फैशन की। फैशन इलस्ट्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉक फिगर। ब्लॉक फिगर कई तरह की मेजरमेंट के साथ बनते हैं, 8.5, 10.5, 12.5। आज हम बात करेंगे 10.5 की। इसके लिए हमें दो तरह के मेज़रमेंट चाहिए होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जी हाँ, आपको पहले मैं दिखाती हूँ। यहाँ आपके सामने एक ब्लॉक फिगर है, आप देख पा रहे हैं। ये जब ब्लॉक फिगर जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक टेक्निक होती है जिसे हेड थ्योरी कहते हैं। ये हेड थ्योरी यानी कि अगर आपका हेड एट टाइम रिपीट होता है तो वो कहलाती है 8.5। 9 टाइम जो कि एक इंटरनेशनल मेथड है तो 9.5 उसे हम कहते हैं, 10.5, 10 टाइम एंड 12.5। ये कुछ जर्नल मेजरमेंट हैं जिनके अकॉर्डिंग ब्लॉक फिगर रेडी होते हैं। आज हम 10.5 की बात कर रहे हैं। 10.5 का जब आप ब्लॉक फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ मेजरमेंट इस तरह से चाहिएंगे। देखिए, जो हेड होता है वो 1 इंच पे होना चाहिए, 1.5 पे नेक लाइन होनी चाहिए, 2 1/4 पे बस्ट लाइन होती है, 3 वेस्ट लाइन, हिप लाइन होती है 4 पे एंड 4.5 पे है क्रॉच लाइन। ये सारे मेजरमेंट हम इंचेस में ले रहे हैं। 7 knee 1, 7.5 knee 2, 10 पे आपका टो एंड 10.5 पे फुट। ये तो बात थी आपकी स्ट्रेट मेजरमेंट। अगर वर्टिकल मेजरमेंट की बात करोगे तो वहाँ यानी कि जो विड्थ है हमारे हेड की, टोटल जो विड्थ होती है वो होती है 0.7। नेकलाइन जो होती है इसकी टोटल विड्थ होती है जस्ट 1/2 इंच और जो शोल्डर लाइन होती है वो होती है 3/4 इंच। एंड जो आपकी वेस्ट लाइन होती है ब्लॉक फिगर में वो होती है 1/2 एंड हिप लाइन 3/4, नी 1 हमारा 0.5, नी 2 0.6, टो 0.5 एंड फुट होता है जस्ट 1/2। ये तो थे कुछ मेजरमेंट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह इन मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। देखिए, हम एक नया पेज लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपनी जो फाइल है वो A4 में सेट करते हैं, मेजरमेंट इंचेस में लेते हैं। इसके बाद हम जूम टूल की हेल्प से हमारे पेज को पूरा सेंटर में सेट करते हैं। पिक टूल लीजिए और पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 0 सेट कीजिए। जी हाँ, आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने 0 सेट कर लिया है। मेरी मेजरमेंट 0 के साथ कंटिन्यू चल रहे हैं, बात चाहे हॉरिजॉन्टल की हो चाहे वर्टिकल की। अब मैं यहाँ गाइडलाइन रख रही हूँ, वही मेजरमेंट जो मैंने आपको बताए, 1 फॉर हेड, 1.5 फॉर नेक लाइन, 2 1/4 फॉर बस्ट लाइन, 3 फॉर वेस्ट लाइन, 4 फॉर हिप लाइन, 4.5 फॉर क्रॉच लाइन, 7 knee 1, 7.5 knee 2, 10 फॉर टो एंड 10.5 फॉर फुट। देखिए, जब ये 0 है ये 2 है, इट मींस दैट इज 1, 2 के बाद ये 4 है तो ये है 3। तो जो पूरा का पूरा आपका 1 इंच का ब्लॉक है, देर आर 5 पॉइंट। तो जब 5 पॉइंट की बात करते हैं तो जो हमारा हेड है वो होता है टोटल 3/4, यानी कि 1/4, 1/2 और 3/4। 3/4 इंच आपने ड्रॉ किया और इसको आपने सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज करने के बाद अब आप पिक टूल उठाएंगे, जस्ट 1/2 हमारी नेकलाइन ड्रॉ करनी है हमें। लेजर टूल हम यूज़ करेंगे, ये 3/4 इंच। देन आपकी जो वेस्ट है वो है जस्ट 1/2, अगेन 3/4। बोथ साइड की मेजरमेंट आप लोग को देखने होंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, 0.5, देन जस्ट 1/2, अगेन जस्ट 1/2। इसी तरह हम इस साइड स्टार्ट करेंगे, देन 0.5, देन 0.6, देन 0.5, देन 3/4, हिप लाइन जस्ट 1/2, वेस्ट लाइन देन 3/4, शोल्डर लाइन देन 1/4, नेक लाइन। एंड आपने इसे जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आप इसे पैक करेंगे। और जो हमारी हैंड लाइन होती है वो होती है 3.5। जी हाँ, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.5।
0.5 डाल के आप एंटर करेंगे। अब जो आपका जो फिगर आपने ड्रॉ किया है, जब तक आप इसे जूम टूल की हेल्प से नहीं देखेंगे तब तक आप इसकी मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको जूम टूल की हेल्प लेनी होगी और जूम टूल की हेल्प से आप देख पा रहे हो कि कुछ छोटी छोटी आपकी मिस्टेक्स हैं, इन्हें आप जूम टूल की हेल्प से इस तरह से सेट कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही ईजीली हम कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑल माई स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग अपना ब्लॉक फिगर ड्रॉ कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और ये देखिए हमने बहुत ही जल्दी से ही अपना ब्लॉक फिगर रेडी कर लिया है। आप इसे सेट कर सकते हो, जूम कर सकते हो। जूम करके आपकी जो कोई माइनर सी मिस्टेक्स हैं उन्हें आप सेट कर सकते हो। ये देखिए ठीक है। और वापस हम चलते हैं, पुराना हमारा जो ब्लॉक फिगर था मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी कि हमने किस तरह से ये ब्लॉक फिगर रेडी किया हुआ है। मेजरमेंट आप लोग के सामने है। इसके अलावा आपकी कोई और भी क्वारीज हैं, कोरल में आप कोई और भी एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ शेयर विद मी। कोशिश करूँगी कि आप लोग की सारी ही प्रॉब्लम्स, जो भी कुछ इश्यूज हैं या आज कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।